मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और दोस्तों, मैं तन्नु कार्ति आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज है सैटरडे। सैटरडे यानी कि मतलब मैं एक दिन गैप करके अपने ब्लॉगिंग की फिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल कुछ ऐसा था नहीं, घर पर ही थे तो घर का ही रूटीन था डेली का, और मौसम रोज़ की जैसी था, दोपहर में धूप और दिन में मज़ेदार एकदम से बारिश। और दोस्तों, आज है नंदाष्टमी, तो आप सभी लोगों को नंदाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और है आज राधाष्टमी भी है, तो आप सभी लोगों को राधाष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज खुशी की छुट्टी है, तो खुशी का आज ट्यूशन है 9 o'clock का, तो अभी खुशी अब बस रेडी होगी। और अभी और मैं घर जाऊंगा, सरप्राइज। तो पहले खुशी जाएगी ट्यूशन, अभी 9 से 10 उसका ट्यूशन है, और उसके बाद जब वो ट्यूशन से आ जाएगी तो हम लोग का कहीं जाने का प्लान है। और हम कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए तो आपको, कहीं नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, कहीं और जगह जा रहे हैं, ऐसे तो हम ना बताते हैं, सरप्राइज है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, कुछ चीज़ को मतलब सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। और खुशी के तो पेट में गुड़गुड़ हो जाती है कि बस जाना है, जहाँ जा रहे हैं मतलब टाइम से सब कुछ सबको बता दें। तो दोस्तों, बने रहे आप मेरे ब्लॉग में, हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। और तब तक के लिए मैं खुशी को पहले ही छोड़ के आती हूँ ट्यूशन, नहलाते नहीं क्योंकि अब बहुत ठंडा है, जब आ जाएगी ट्यूशन से उसके बाद गर्म पानी से नहलाऊंगी, और उसके बाद हम निकलेंगे अपने टूर पे। और कौन सा टूर है हम फिर बताएंगे। और गर्वित भी आज हमारा स्कूल जाने के लिए रेडी है। जय करते बुबू को, जय करो, शाबाशी। ऐसे स्कूल जाते हैं दीदी को, स्कूल चले हम, गर्वित जा रहा है आज स्कूल। गोलू, स्कूल जा रहे हो लेकिन आज तो छुट्टी है। अच्छा, अपनी साइकिल लेके जा रहे हो? ओ, मैं खुशी को ट्यूशन छोड़ने आ गई, अभी मैं भी फ्रेश मतलब नहाई धोई नहीं हूँ, तो घर जाके ही नहाऊंगी अब, क्योंकि पहले सुबह सुबह कपड़े धो ले रही हूँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। और यहाँ पे अंकल जी बढ़िया से साइड साइड में क्यारी बना रहे हैं। गर्वित, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, रेडी हो चुके हैं, पूजा भी कर लिया और टीका वगैरह भी सबको लगा दिया है, और अब चलते हैं। खुशी आ गई थी ट्यूशन से, मैं खुशी को 10 बजे ले आई थी, 10:15 बजे ऐसे ही समथिंग ले आई थी खुशी को ट्यूशन से, और उसके बाद उसको नहलाया धुलाया, फिर थोड़ा खाना भी खिला दिया, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों को भूख लग जाएगी, क्योंकि वहाँ से यहाँ से हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ही। और अब हम निकलते हैं घर से, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये होने वाला है क्या, हो ही गया है बहुत ज़्यादा। तो हम निकलते हैं, दरवाजे कुंडी सब खिड़कियाँ तो बंद हो गई हैं, दरवाजे और कुछ था तो नहीं, होता है ना कि इधर उधर जाते टाइम कुछ ना कुछ मतलब साथ में चाहिए ही, सामान वगैरह, बच्चों के लिए पानी वगैरह रखना है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको गाड़ी में। हम लोग निकल चुके हैं और अब हम जहाँ जा रहे हैं हम वहीं पे मिलेंगे सीधे, तब तक आप रास्ते को देखिए, वो है रोलर। हेलो करो, अभी आप सामने देखते रहो, आपको जय जय दिखेंगे।
गए लक्ष्मी गणेश मंदिर। जय हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग गए थे लक्ष्मी गणेश मंदिर, वो तो थोड़ी देर और होती हमें तो हमें मंदिर बंद मिलता। मंदिर के कपाट अभी बंद हो चुके हैं, अब शाम के टाइम में कपाट खुलेंगे। तो कोई नहीं, भगवान जी के दर्शन हो गए। घर भी तो आ जाओ। नमस्कार। पीछे जय हो लक्ष्मी। दर्शन कैसे रहे? दर्शन कितने बराबर दिए मैया ने गणेश। चलो, किस्मत हमारी अच्छी थी, दर्शन तो हो गए हमारे जाते ही। मैया के कपाट बंद हो गए, कोई बात नहीं। और गणेश जी वहीं थे यार। बेटा अभी टाइम ही नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ गणेश बोल दो। गणेश जी, अरे इसके चप्पल में पत्थर आ गया था। तो हम लोग दर्शन करके अब घर को भी आ गए। आज पहली बार ऐसा हो रहा कि मंदिर आए और घर को वापस, बट कोई नहीं, हमें माता रानी ने अब खुशी को गणेश जी से मिलना है। खुशी को गणेश जी से मिलना है। कोई नहीं, हम गणेश जी से भी जल्दी मिल लेंगे, जल्दी ही आएंगे। आज बुलावा हमें देर में ही आया होगा, बट कोई नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो अब चलते हैं हम घर की तरफ। घर नहीं, गणेश। चलो आपको गणेश जी दिखा के लाते हैं। और ये है श्री बेल बाबा मंदिर। यहाँ पर लिखा भी है कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे। खुशी सैंडल उतारोगे? और ये है बेल का पेड़, बेल पत्री का पेड़ है ये। तो हम लोग आए थे, बेल बाबा मंदिर भी आए हैं, और ये है रामपुर रोड पर है। तो ये रामपुर रोड पर ही है ना, रामपुर रोड पे मंदिर है। तो हम लोग तो जा रहे थे लक्ष्मी गणेश मंदिर, वहाँ भी गए, दर्शन हुए, लेकिन अच्छे से हम पूरे मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि कपाट बंद होने का टाइम हो गया था। तो इसलिए हमने वहाँ बस हमें लक्ष्मी माता के दर्शन हुए और बस उसके बाद हम वापस हो गए। और यहाँ होता है ना, जहाँ का बुलावा होता है हम वहीं आते हैं, तो यहाँ का भी बुलावा होगा तो हम रास्ते से यहीं आ गए। और दर्शन वगैरह सब अच्छे से हो गए हमारे, और चारों तरफ देख सकते हैं आप, मंदिर ही मंदिर, भगवान जी भगवान जी। तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आकर, और भक्त आते रह रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, आते रह रहे हैं। खुशी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, अच्छा लग रहा है ना। तो हम सब लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं।
हाँ बस हमें लक्ष्मी माता के दर्शन हुए और बस उसके बाद हम वापस हो गए। और आगे बहुत बड़ा जाम है, तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। रोड क्रॉस कर लिया, गोलू यहाँ है। हेलो लक्कू, हेलो गोलू, हेलो तन्नो, हेलो खुशी। हमारा लंच भी हो गया है और बढ़िया तरीके से आज का दिन बहुत बढ़िया गया हमारा। और अब घर जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे के काम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के काम कुछ नहीं है, वैसे हमारे सारे काम निपट चुके थे सुबह ही, थोड़ा बहुत जो होगा वो रेस्ट करने के बाद। और हम अपने उसी रेस्टोरेंट में आए हैं जो खुशी का फेवरेट रेस्टोरेंट, और ये नज़दीकी है ब्लॉगर कटरिया के बीच में है ये रेस्टोरेंट। यहाँ पर खाने भी बहुत अच्छा मिलता है और मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ, तो हम हमेशा ज़्यादातर हम इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। और सब लोगों ने लंच कर लिया, और लंच में तो जो आपने देखा ही होगा, हम सब ने डोसा खाया, मसाला डोसा बहुत अच्छा था। खुशी की फेवरेट चाउमीन मंगाई एकदम सादी सी बिना मिर्च वाली। जब सब ने खाना खा लिया, ये बिल पे करने गए हैं और हम निकलते हैं घर की तरफ। ओ बाप रे, और हमारे बच्चे फिर से झूला झूल रहे हैं। ये तो जब भी आते हैं तब भी झूला झूलते हैं। हाँ झूला झूला रे मेरा कन्हैया। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया और आगे वहाँ खेल लग जाएगी। छोड़ो खुशी, खड़े हो, चलो चलो। नहीं खुशी, अपना हेयरबैंड पीछे करो। तो दोस्तों घर आ गए थे हम लोग, टाइम से आ गए थे, और घर आके हम लोगों ने रेस्ट कर लिया और अभी हम उठ रहे हैं। एक घंटा हमने रेस्ट कर रखा है अभी, और नहीं एक घंटा नहीं, हम 4:15 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद बच्चों को सुला दिया था, खुशी तो हो गई है, गोली सोया ही है, और पापा भी सोए हैं, लक्कू भी सोए हैं, ये अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं अभी, ये नहीं सोए। बाकी हम सब लोग रेस्ट करके उठ चुके हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा आज का दिन, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि फैमिली के साथ बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है।
खास करके तब जब पापा साथ में होते हैं, क्योंकि पापा ज़्यादातर वैसे आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे ज़्यादा दूर अगर ना जाए तो पापा आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आज बाहर ही हमारा लंच भी रहा, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम बाहर खाना बहुत कम खाते हैं। फैमिली जो हमारा फैमिली लंच या डिनर तो खैर कभी बाहर, मतलब जब कहीं बहुत दूर जाएंगे तभी होगा, नहीं तो वो भी कम ही होता है, हम घर का ही खाना ज़्यादा खाते हैं। तो आज हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, आज पूरा का पूरा दिन बन गया, भले ही अभी बहुत टाइम बचा है रात होने में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉगिंग को अब आगे को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और वीडियोस देखते रहिए, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि रोज़ की भांति आज भी आपने इस ब्लॉग को देखा। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।